हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत दिनों के बाद धनबाद आया हूं, तो आज से धनबाद का ब्लॉग कुछ दिनों तक आप सबों को मिलेगा। तो ब्लॉग पेंड तक बने रहें। अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। भाई बहुत दिन बाद आए, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? और ये देख सकते हैं भाई, बहुत दिन बाद हम लोग पास आए हैं। और ये कुछ काम से यूपी गए हुए थे, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग साथ में आ चुके हैं। और अब कंटिन्यूसली मेरे भाई के साथ ब्लॉग मिलते रहेगा। और गाइस अभी फाइनली हम देख सकते हैं दामोदर नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। तो आप देख सकते हैं मैं अभी ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, और इसका व्यू बहुत ही शानदार व्यू नजर आ रहा है। थोड़ा पानी तो फट गया, पानी का लेयर ज्यादा नहीं है। आप बैक कैमरा से भी दिखा रहा हूँ, पीछे आप पूरा पहाड़ का दृश्य पीछे देख सकते हैं। यह दामोदर नदी है, झारखंड का सबसे लंबा नदी है। और इस नदी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर खनिज भी पाया जाता है। और साइड में आप जैसे कि देख सकते हैं, ये कोयला का खदान है मेरे साइड में, आप देख सकते हैं किनारे किनारे। और यहाँ से गाइस हम लोग बोकारो डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर चुके हैं। आप आगे का आप सबों का व्यू दिखाते हैं। यहाँ हम लोग बोकारो डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए हैं, और यहाँ से और कुछ दूर आगे जाएंगे गाइस, तो वहाँ से हम लोग बंगाल में इंटर कर जाएंगे। और आप ये रोड देख सकते हैं, यहाँ से मेन गाइस बोकारो 45 किलोमीटर दिखा रहा है, रघुनाथ 35। गाइस अभी पेट्रोल लेने आया हूँ, देख सकते हैं अभी थोड़ा ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और धूप भी बहुत ज्यादा है। तो कितना का पेट्रोल लेना है? 150 का लेना। 150 का ले लीजिए, पैसा दे देना भाई। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर दूसरा नदी आ चुका है, तो भाई बताएंगे, बताइए भाई ये कौन सा नदी है? ये इजरी नदी नाम है इस नदी का। इजरी नदी नाम है, ये कहाँ कौन सा जगह है भाई? ये लागला में पड़ेगा। लागला में पड़ेगा ना। तो गाइस मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। अभी नदी में पानी नहीं है, देख ही सकते हैं ये इजरी नदी है। इसके बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? तो गाइस आप देख सकते हैं ये बांस है, इस जगह को गलगल प्यार कहा जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बांस ही है, आप देख सकते हैं। कम से कम यहाँ 20 एकड़ में बांस फैला हुआ है। आप मेरे पीछे भी जाएंगे बांस ही नजर आएगा, इधर भी देखेंगे और अपोजिट से दिखा दीजिए भाई, इधर आपको बांस नजर नहीं आएगा। तो भाई देख सकते हैं फाइनली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये भोला भाई है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्लासमेट है, साथ में 1 से 12 तक क्लास किए हैं। भाई अभी धनबाद में ही रूम लेकर आते हैं, मेरे कहने पे आज ये भाई हमसे मिलने आए हैं, तो अभी हम उनके गांव जा रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो अभी वेस्ट बंगाल में जाते हैं, तो आगे का सब को भी दिखाते हैं वीडियो में, आप देख तक बने रहें। देख सकते हैं गाइस ये कोई नदी है, तीसरा नदी हम लोग को बंगाल पार करना है। भाई थोड़ा दिखा देना, ऊपर भी है, ऊपर भी चीज है, और इधर दिखा दे वहाँ से पानी का सप्लाई, बैक कैमरा से दिखा दे। और हम लोग गाइस, और ये गाइस फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं भाई लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए। तो गाइज अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं जो यहाँ पर, यहाँ से वाटर सप्लाई होता है। और देख सकते हैं हम लोग ऊपर में सारे फ्रेंड है, अंदर मोटर चल रहा, तो अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, आप सबको बाहर से ही दिखाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल के बारे में भाई थोड़ा बता दें। ये पुल आपका जमशेदपुर भी जाएगी, ये बंगाल भी जाएगी, यही पुल। तो जैसे कि भाई ने बताया, ये जो आप पुल मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपका डायरेक्ट जमशेदपुर जाएगी, पुरुलिया होते हुए ना, पुरुलिया होते हुए जाएगी, बंगाल से होते हुए। और अभी हम लोग झारखंड में हैं या बंगाल में हैं? झारखंड में है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग झारखंड में हैं, और अभी हम लोग बंगाल में भी जाएंगे कुछ देर बाद, उसका भी आप सबको वीडियो दिखाऊंगा। और मैं बैक और आप सबको अंदर का दिखाना चाहूंगा कि मेरे अंदर देख सकते हैं मोटर चल रही है, और मैं आगे का आप सबको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए एक चुतिया नहा रहा, यहाँ देख सकते हैं भाई नीचे में नहा भी रहा, एक चुतिया दोस्त है हमारे नहा रहे हैं जो कि। और अभी नया बाइक, वर्षा ना होने के कारण देख सकते हैं नदी में तो उतना पानी नहीं है, नहीं पानी बढ़ा था फिर घड़ी, पानी बढ़ा था ना, हाँ पानी बढ़ा, भाई बोल रहे हैं पानी। और पीछे हरियाली भी बहुत सुंदर नजर आ रहा, देख सकते हैं व्यू यहाँ का, व्यू यहाँ का बहुत ही देखने लायक है, आपको बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ।
गाइस अभी देख सकते हैं भाई को रहा नहीं गया, वो बोला चलो नदी में हम लोग नहा लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखते हैं सौरभ जोशी का ब्लॉग में कि उसका जो छोटा भाई है पीयूष कहीं भी नदी देखता है या स्विमिंग पूल देखता है तो तुरंत नहाने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो भाई देख सकते हैं अभी पीछे नहा रहे हैं, क्या मजा आ रहा आप लोगों को? भाई बहुत मजा आ रहा है, ये देख मेरा भाई एक मिला है, देख सकते हैं दो भाई है, दोनों अभी एक अभी अपने बाइक को पूरी अच्छे तरह से धोया, ये नया बाइक लिया है और अभी नहा रहे हैं। तो आप लोग कैसा लग रहा है वहाँ पर, कितना पानी है? ज्यादा पानी नहीं है, पानी जबरदस्त है, पानी जबरदस्त है ना। चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग, और मेरे पीछे देख ही रहे हैं वाटर प्लांट जहाँ से सप्लाई होता है वाटर। तो वीडियो पे आप सब बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है आज। तो गाइस अभी रास्ते में है, अभी देख सकते हैं धूप थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो अभी हम लोग फिलहाल कुछ सत्तू वगैरह पी लेते हैं। अंकल अभी बना रहे हैं, तो इसमें मटेरियल अभी सारा पड़ रहा है, पर यहाँ पर देख रहे हैं चना वना सारा चीज यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर देख ही सकते हैं प्याज भी है, मिर्चा भी है, सारा चीज डालकर बना रहे हैं। तो पीते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है, उसके बाद आप सब बताता हूँ यहाँ का टेस्ट। देख सकते हैं गाइस बनकर तैयार हो गया है। तो भाई ये चाचा के पास हम लोग जब भी आते हैं हम लोग यहाँ बराबर खाते हैं, जो कि चंदन क्यारी में पड़ेगा, पुरुलिया रोड में। चाचा आप कितने दिनों से यहाँ बेच रहे हैं बता दीजिए सबको? यहाँ करीब हम लगा रहे हैं ये 4 साल हो गया, लोग चार साल हो गया, 4 साल से, और इसका मतलब जो है बहुत अच्छा भी लग रहा है। देख सकते हैं गाइस बादाम उदाम सारा चीज डाले हुए हैं, नींबू वो गारे हुए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो अगर आप सब जाएं इस रोड में तो एक बार जरूर इनका सत्तू पिए और चेक करें, और अपना फीडबैक अंकल को दे कि आप सब वो कैसा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली देख सकते हैं, आप अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है। आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आसनसोल का बोर्ड लगा हुआ है 48 किलोमीटर, और रघुनाथपुर यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर है। तो जस्ट मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये आपको झारखंड है, और जस्ट उसके पीछे जाता है तो वहाँ से बंगाल स्टार्ट हो जाता है। नदी पार करेंगे तो आगे का आप सबको व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस हम लोग बंगाल में इंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र है। अभी तक हम लोगों ने 4 पुल पार किए, आप लोगों ने वीडियो में देखा है ये हम लोगों का 4th पुल है। बहुत ही मजा आ रहा है भाई, बहुत ही आज वीडियो में मजा आ रहा है भाई को। तो ये देखिए बताओ, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू वेस्ट बंगाल। हम लोग बंगाल में भी इंटर कर चुके हैं, यहाँ पर बंगाल पुलिस की गाड़ी भी नजर आई है आपको जस्ट हमारे पीछे, बहुत सारे देख सकते हैं। फाइनली गाइस अभी देख सकते हैं चंदन क्यारी पार्क में आया हुआ हूँ, स्वामी विवेकानंद अटल पार्क है, जो अभी अंदर का व्यू दिखाता हूँ आप सबों को। अभी गाइस देख सकते हैं पार्क तो बंद है, अभी पार्क खुलने का समय नहीं है। गार्ड साहब से पूछा तो उन्होंने बोला शाम को ये पार्क खुलता है। गाइस बैक कैमरा से देख सकते हैं इस पार्क की खूबसूरती, बहुत ही सुंदर पार्क है, और यहाँ बच्चे के लिए झूला वगैरह है, सारा सामान खेलने के लिए, और उधर देख ही सकते। तो गाइस पार्क बंद होने के कारण मैं आप सबको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया, वो मैं कभी और दिखा दूंगा। तो अभी फिर चलते हैं रास्ते में, आगे देखते हैं कहाँ। तो गाइस देख सकते हैं अभी एक दोस्त के दुकान पे आया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं भाई अपना नाम बता दें। महावीर मोदा। तो यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है यहाँ पर होलसेल रेट में आप सबों को मिल जाएगा। ये आप सबों को चंदन क्यारी रोड में पड़ेगा, तो यहाँ पर आप आकर सामान परचेस कर सकते हैं। भाई बहुत ही किफायती दाम पे देते हैं, LED लाइट वगैरह जो भी कार्य है आपका, इनका गोडाउन पीछे है, यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखे हैं आप देख सकते हैं, और इस साइड में इनका पीछे आपका गोडाउन है, तो गोडाउन में इनका बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो जैसा भी आपको सामान चाहिए भाई के पास आए, बहुत ही किफायती रेट में आपको देंगे। ठीक है भाई, वहाँ देख सकते हैं पीछे कार्य भी कर रहे हैं, यहाँ पर एनी टाइम भीड़ होते रहता है, और भाई लोग भी साथ में ही देख ही रहे हैं। तो आप सब आए इस दुकान में, और भाई के पास आए आप सबको एकदम डिस्काउंट करके रेट से देंगे। फाइनली गाइस दोस्त के पास आए थे, देख सकते हैं मिथुन भाई, तो कुछ नाश्ता करवा रहे हैं, भाई ने बोला आइए कुछ समोसा और मिठाई खा लीजिए, नीचे भैया भी बैठे हुए हैं देख ही सकते हैं, तो कुछ नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद आपको तो वीडियो में दिखाता हूँ। भाई से कुछ पूछेंगे कैसा हाल है, क्या हाल है, क्या हो रहा है अभी नहीं हो रहा, तो वीडियो में आप सब बने रहें। भाई ने कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिया है मना करने में भी, तो
भाई ने बोला रात्रि भोजन कर लिए, पर हम लोग रात्रि भोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। तो भाई के पास कभी और आएंगे रात्रि भोजन करने, हाँ ना भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे। चलिए ठीक है। तो फाइनली गाइस अब देख सकते हैं भाई से मुलाकात हो गया, नाश्ता पानी भी भाई ने कराया खूब। अब हम लोग घर के ओर जा रहे हैं और भाई से फिर मिलेंगे। भाई 12 तारीख को रांची भी जा रहे हैं, 12 तारीख को हम लोगों को भी रांची जाना है, पर भाई वहाँ इनका फ्लाइट है, ये बनारस जाएंगे, वहाँ से कुछ कार्य है। तो आपको आगे ब्लॉग में भी भाई मिल भी सकते हैं, बनारस में अगर मैं जाऊँगा तो इनके साथ ब्लॉगिंग करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भाई से मैं बात कर लूँगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।